नेक्स्ट एग्जाम्पल, ए है और इसका मास चलिए हम लोग लिख लेते हैं एम। हाँ, इससे एक पुली अटैच्ड बिल्कुल ये ब्लॉक जो है इसके बीचों बीच फंसा हुआ है बी। इस पुल्ड बाई एफ, दोनों के मास बराबर लिख लेते हैं हम लोग, इसका भी मास को हम लोग एम ही लिखते हैं। अलग अलग भी लिख सकते हैं, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, बट चलिए ऐसा करते हैं, इसको हम लोग 2m करते हैं और उसको m करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मेन थिंग इज कि कंस्ट्रेंट एंड इक्वेशंस को अच्छे से समझे। नाउ लिखते हैं, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी। बिल्कुल सर, ये बड़ा ब्लॉक है, इसको हम खींच रहे हैं, ये पुल्ली अटैच्ड है इस बड़े ब्लॉक से और ये रिजिड सपोर्ट से स्ट्रिंग के थ्रू बी कनेक्टेड है। नाउ देखते हैं, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जरूर ये आएगा क्या कि आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें। देखते हैं हम लोग ड्रॉ करते हैं, टू एम ए, ध्यान दीजिए टी ए हो गया और ये रहा आपका बी। बी बिल्कुल इसमें ही फंसा हुआ है। देखिए मैंने इसको सिस्टम को कट करा, ये नाउ वापिस से क्या क्या अगर हम लोग लिखते हैं कि ये एक्सेलरेशन इसका ए है, हाँ तो आप जानते हैं कि ये जितना छोटा हो रहा है उतना ही, सॉरी ये जितना बड़ा होगा उतना ही ये छोटा होगा और इसका एक्सेलरेशन ये आ जाता है, स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट बताया हुआ है ना। बिल्कुल नाउ दूसरा, ये इसके साथ फंसा हुआ है, नॉर्मल है, अटैच्ड है, तो इसका एक एक्सेलरेशन ये भी है, मतलब बी का ये, हाँ दोनों एक्सेलरेशन है। एनीवे देखिए हम क्या बात कर रहे हैं ना कि सिस्टम पर लिख रहे हैं, ए प्लस बी क्या एफ एक्स टोटल एक्सटर्नल एम वन ए वन एम टू ए टू ये सब चलेगा वनली एंड वनली किस में, एक्स में। एक्सटर्नल में ध्यान दीजिए, अब ये यहां से कट करेंगे तो ये टेंशन एक्सटर्नल है, बिल्कुल ये वॉल लगा रहा है, तो इफ माइनस टी इक्वल्स टू पहले इसका मास इनटू एक्सेलरेशन प्लस बी वाले का मास, एंड ध्यान से एक्स वाला ही एक्सेलरेशन वो भी उतना ही है, हाँ वनली एक्स वाला। हाँ नाउ मासेस को हम लोग पुट कर देते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन हमारा सिंपल आएगा।
एंड दिस इंप्लाइज एफ माइनस टी इक्वल्स टू टू एम ए प्लस एम ए थ्री एम ए। अगर अगर ये ऐसा कुछ नहीं रहता तो अलग अलग रहता, कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ, वेरिएबल में लिख देते। नाउ अब आता है हम लोग लिखते हैं बी के लिए। बी में देखो, बी का अगर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें, ये रहा आपका टेंशन। हम इस पर फोकस कर रहे हैं वर्टिकल में, हाँ हॉरिजॉन्टल में नहीं, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल वाला नो डाउट, ये एक्सेलरेशन भी इसका रहेगा, बिल्कुल रहेगा, लेकिन हम लोग वर्टिकल की बात कर रहे हैं। देख लीजिए, देखिए इसमें सबसे ज्यादा जो क्रूशियल बात है वो ये कंस्ट्रेंट का रिलेशन, हाँ, जो कि हमने समझाया है, राइट। नाउ एनीवे, ये ड्यू टू वेज कंस्ट्रेंट है, एंड दिस इज ड्यू टू स्ट्रिंग, हाँ जी, वर्टिकल में लिख दीजिए एफ सॉरी टी माइनस एम जी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। हाँ, ऐड करिए वन एंड टू को। देखिए सिंप्लीफाई करना अलग बात है, ये दोनों चीजें लिखने आनी चाहिए, ये एंड ये, आपका काम खत्म। हाँ, टेंशन से टेंशन कैंसिल हो रहा है। एफ माइनस एम जी इक्वल्स टू एम ए थ्री एम ए प्लस एम ए, ए की वैल्यू एफ माइनस एम जी बाई फोर एम, दैट्स ऑल, ए का आ गया। लेकिन अगर आप बात करोगे एक्सेलरेशन ऑफ बी तो वो आएगा आपका ये, मतलब ए आई कैप एंड ए जे कैप भी। तो एक्सेलरेशन ऑफ बी लिखोगे तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और कई बार लोग सब कुछ करने के बाद ये गलत कर जाते हैं, हाँ जी, दोनों एक्सेलरेशन ए ए नेट मिला के रूट टू, राइट, एंड दिस इज द नेट एक्सेलरेशन ऑफ बी, हाँ जी, बिल्कुल। नाउ इस तरीके से और भी सिचुएशंस कॉम्प्लिकेटेड या नहीं होता कि आ सकता है। चलिए एक और हम आपको क्वेश्चन लिखते हैं और थोड़ा उसका हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं, आप लोग अपने से भी ट्राई करिएगा। देखिए नो डाउट अब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तीन चार ब्लॉक दिया जा सकता है, बिल्कुल आता है, आप प्रैक्टिस करिए और बेटर आइडिया लगेगा। ए बी सी, हाँ जी, यस, एफ अलग अलग भी लिख सकते हैं, एक में भी लिख सकते हैं, समस्या वो नहीं है। इफ मासेस ऑफ ए बी एंड सी आर
एम ए एम बी एंड एम सी। फिलहाल में आपको ये थोड़ा सा कैलकुलेशन सिंपल आएगा, है ना। एम ले लेते हैं हम अलग अलग, पहले तो इक्वेशन लिखेंगे फिर हम लोग इस स्पेशल केस को लिखते हैं। इफ मासेस ऑफ इता देन फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए बी एंड सी। हाँ जी बिल्कुल। ना देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूटन्स लॉ लिखने से तो ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम इनके सारे सरफेसेस स्मूथ हैं, है ना, न्यूटन्स लॉ का, राइट, कहीं पर भी फ्रिक्शन नहीं है। तो पहला तो बात यही आता है कि हमें रिलेशन बिना पूछे बताना पड़ेगा कि आखिर हमारा इनके बीच में एक्सेलरेशन का क्या रिलेशन है। मैं लिखता हूँ, देखिए सॉल्यूशन, मैं इधर फ्री बॉडी डायग्राम एक साथ तीनों का ड्रॉ करते हैं एज अ सिस्टम, थोड़ा सा अलग अलग करके। ए बी सी, हाँ, एज अ सिस्टम। पहला ये हमें पता है ये फिक्स्ड है, ये इधर ही जाएगा, हाँ, इस पर है ना, तो ये हॉरिजॉन्टल ही जा सकता है। दूसरा हमें ये पता है कि ये जो जाएगा बी वो इधर जाएगा बी से, लेकिन इसको रोकेंगे तब, बिल्कुल आप इसको रोक दीजिएगा, मतलब विथ रेस्पेक्ट टू ए, बी किधर जाएगा अलोंग द इंक्लाइन, तो ये है विथ रेस्पेक्ट टू ए। तो हमने अभी अभी समझाया कि एक्सेलरेशन ऑफ बी जो आएगा वो एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए प्लस एक्सेलरेशन ऑफ ए, बिल्कुल रिलेटिव वाला हम यूज करते हैं। तो बी का नेट एक्सेलरेशन तो आपका ये आ जाएगा, इसमें ए और ऐड करिए, बिल्कुल वेक्टर फॉर्मेट में, हाँ जी हॉरिजॉन्टली, हाँ। नाउ एंड सी का एक्सेलरेशन किधर होगा, देखिए आप लोग थोड़ा एनालाइज करिएगा सी का एक्सेलरेशन किधर होगा, हाँ यस, हाँ जी ध्यान दीजिए, आपको ना जैसे जैसे ये ब्लॉक आगे जाएगा, नो डाउट ये वाला भी आपका थोड़ा इधर आ सकता है, हाँ जी और सी पता है जस्ट उसके नीचे आएगा, बिल्कुल सी वनली एंड वनली वर्टिकल में आएगा, एकदम वर्टिकली। वैसे भी देखिए सी पर ना एक फोर्स एम जी एक नॉर्मल और कोई फोर्स भी नहीं है और वो जाएगा तो वर्टिकल ही। चलिए ये बात हो गया। नाउ पहले मैं एक्सेलरेशन वाली चीजों को ही क्लियर करता हूं, ध्यान दीजिए, क्या जितना बी नीचे जाएगा उतना ही सी आएगा, क्योंकि नॉर्मल दोनों का सेम है या बोल सकते हैं कि कॉन्टेक्ट में है ना। तो अगर आप अलोंग द नॉर्मल बात करेंगे तो फॉर सी देखिए अगर हम लोग लिखें कि बी वाले का जो एक्सेलरेशन है, हाँ एक्सेलरेशन ऑफ बी इन वाई इक्वल्स टू वो सी आएगा। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला भी कितना होगा, थीटा होगा, तो इसका वर्टिकली डाउनवर्ड कंपोनेंट कितना आएगा, यस यस ये तो ये आ जाएगा बी एंड व्हाट साइन थीटा,
लिखिए, तो ध्यान से C इक्वल्स टू आएगा आपका B एंड साइन थीटा, ये आपका एक रिलेशन। दूसरा रिलेशन, हाँ ध्यान दीजिए, दो आपके बॉडी कॉन्टेक्ट में हैं A और B, एक रिलेशन, C और B दूसरा रिलेशन। ये आप न्यूटन्स लॉ चाहे जितना लिख लीजिएगा ये रिलेशन नहीं आएगा अंटिल अनलेस कि हम कंस्ट्रेंड को सही सही ना लिखें। नाउ चलिए, अब हमारा ये सिस्टम हो चुका है ए बी सी, हाँ, और फिर हम लोग बात कर रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स का हॉरिजॉन्टल में ऑन सिस्टम एफ एक्सटर्नल सारे एक्स में, बाय द वे फिर जीरो है, कोई हॉरिजॉन्टल में फोर्स नहीं है, तो ये आएगा एम ए इंटू ए प्लस एम बी इंटू बी प्लस एम सी इंटू सी सभी का हॉरिजॉन्टल में। हाँ जी लिख देते हैं, जीरो इक्वल्स टू, हाँ हमने जानबूझ के मासेस सेम करा क्योंकि थोड़ा कैलकुलेशन सिंपल हो, राइट, एम ही है और इसका एक्सेलरेशन ए है, मास इसका भी एम ही है लेकिन बी वाले का एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल में, हाँ जी, तो ये ए तो है और बी कॉस थीटा इधर आ जाएगा, ध्यान से, हाँ तो ए माइनस बी एंड कॉस थीटा, सी वाले का कोई हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन नहीं है, हो गया, एंड दिस इंप्लाइज 2MA equals to MB cos theta, A equals to B या 2A equals to B cos theta, हाँ पहला। Now next, अब हम लोग B और C को सिस्टम मानते हुए along the incline लिखते हैं, है ना, B प्लस सी एज अ सिस्टम। देखिए पहले तो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करा जाए, ये बिल्कुल, और इसी के ऊपर C है, तो ध्यान से इसका भी वेट आएगा इधर mg और इसका भी वेट आएगा इधर ही mg, हाँ। नाउ एक्सेलरेशन b का हम जानते हैं कि इस डायरेक्शन में a है और along the incline इसका b है, हाँ, और इसका तो पूरा का पूरा जो भी है वो वर्टिकली है, समझ रहे हैं, ये सी, इसका एक्सेलरेशन को सी ना, देखिए हम लोग क्या लिख रहे हैं ना, अलोंग द इंक्लाइन, तो अलोंग द इंक्लाइन लिखेंगे तो देखिए ये एंगल भी तो थीटा है ना, तो ए वाले का अलोंग द इंक्लाइन इधर चला जाएगा ए एंड कितना कॉस थीटा, इसका एम जी का भी कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में एम जी एंड साइन थीटा, इसका वाला भी सी, बी और सी को हम लोग सिस्टम लिख रहे हैं तो इसका भी आएगा एलोंग द इंक्लाइन आपका ऐसा ही, बिल्कुल एम जी एंड साइन थीटा, ये आपका सी का है और ये आपका बी का है, हाँ लिख लेते हैं, हम लिख रहे हैं अलोंग इंक्लाइन,
क्या रहा है, एम जी साइन थीटा प्लस एम जी साइन थीटा, हाँ फोर्स मास एंड एक्सेलरेशन, एक तो हाँ बी वाले का, बी का मास तो है, एक्सेलरेशन बी माइनस में ए कॉस थीटा, बी माइनस ए कॉस थीटा, ये तो बी वाला हो गया, प्लस सी का अलोंग द इंक्लाइन, अलोंग द अगर इंक्लाइन बात करेंगे तो वर्टिकली डाउनवर्ड सी है, तो अलोंग द इंक्लाइन कितना आ जाएगा, सी एंड साइन थीटा, यस हाँ जी सिंप्लीफाई कर दीजिए, 2mg sin theta equals 2m b minus a cos theta plus m sorry plus m c and sin theta, हाँ m तो cancel ही हो रहा है, हाँ जी, और दूसरा relation जो हमारा आ रहा है b माइनस ए कॉस थीटा प्लस सी साइन थीटा इक्वल्स टू टू जी साइन थीटा, ये हमारा सेकंड इक्वेशन है, हाँ जी बिल्कुल। नाउ थर्ड इक्वेशन, केवल c को एंड वर्टिकली डाउनवर्ड, लिखे तो वैसे आपको अगर ध्यान दीजिएगा ना, तो आपके पास जो इक्वेशन है एक ये है, हाँ बी और सी में रिलेशन, दूसरा ये है और तीसरा ये है, तो आपका काम ही हो जाएगा, तीन इक्वेशन और तीन ही वेरिएबल है, अगर हम इसको वन मान लेते हैं ये हमारा टू हो जाएगा और ये हमारा थ्री हो जाएगा, तो आपका तीन वेरिएबल और तीन इक्वेशन सॉल्व ही हो जाएंगे, हाँ जी। फ्रॉम वन टू एंड थ्री क्या है, इसमें ना हम लोग ऐसा करते हैं कि ए को और सी को दोनों को हटा देते हैं, हाँ बी माइनस ए को लिखेंगे, तो ए को लिखेंगे तो बी कॉस थीटा बाई टू, बी कॉस थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा, प्लस सी को हम लोग लिख रहे हैं बी साइन थीटा इंटू साइन थीटा, हाँ हाँ जी हो गया, इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू टू जी साइन थीटा, बी कॉमन ले लीजिए, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू टू जी साइन थीटा, हाँ देखते हैं, हाँ जी किसी को भी कॉस थीटा साइन थीटा में लिख दो ज्यादा बढ़िया रहेगा, इसको डिवाइड करते हैं टू माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस इसको भी ऐसे ही कर देते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, आइए ज्यादा बढ़िया रहेगा, किसी एक में कर दीजिए, तो बी इक्वल्स टू फोर जी साइन थीटा भाई फोर माइनस थ्री कॉस स्क्वायर थीटा, काम खत्म, हाँ जी बी आ गया तो सी भी आ जाएगा, इसी में बस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हाँ जी ठीक है ना, और c आ जाएगा तो एक्सेलरेशन ऑफ आपको जो निकालना है ये, हाँ तो एक्सेलरेशन ऑफ b भी आ जाएगा, नहीं है
इधर ए, इधर बी और इनके बीच का एंगल, समझ रहे हैं? तो वो भी हम लोग लिख लेते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर जो भी रहता है आप लिख सकते हो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू ए बी एंड कॉस कितना फाइव, राइट, एक्सेलरेशन ऑफ बी। मेनली ध्यान ये देना है कि हमारा कंस्ट्रेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद बाकी अगर आप सिस्टमेटिकली लिखेंगे तो न्यूटन्स लॉ बहुत प्रॉब्लमेटिक नहीं करेगा ना। अगर हमें इंटरनल बातें पूछने लगे, जैसे सी पर नॉर्मल, तो फिर सी को अलग से वर्टिकल में लिखिए, आपका बिल्कुल आ जाएगा, राइट। अगर हमसे पूछने लगे नॉर्मल इसके और इसके बीच का, फिर इसके नॉर्मल के अराउंड लिखिए। तो ये सब चीज़ें जो हैं प्रैक्टिस करके या एज पर द रिक्वायरमेंट हम लोग इक्वेशन भी लिखते रहेंगे, ओके। नाउ नेक्स्ट स्यूडोफोर्स,